सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी आर। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। हर कॉलेज के रिगार्डिंग इस चैनल पे काउंसलिंग होने वाली, स्पेशली बिटसेट और आपकी जेई के थ्रू जो कॉलेज होते हैं, IITs, NITs, IIITs, GFTS, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपना जोसा काउंसलिंग का पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस फॉर 600 रुपीज है। आज इस वीडियो में पर्सनली बात करूंगा बिटसेट वाले बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनका एग्जाम थोड़े ही दिन बाद बिटसेट का एग्जामिनेशन अपना शेड्यूल्ड है। जो जो बच्चे बिटसेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी, तो मैंने अपने बिट्स के प्रिपरेशन कैसे करी थी, बिटसेट में मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, जिससे कि मेरे को आगे चल के मतलब अच्छा स्कोर मिला। मेरे को आई स्कोर 308 out of 415 माय बिटसेट एग्जामिनेशन। तो मेरे को ज्यादा अच्छा बच्चा नहीं था, बस मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया और उससे मेरा बिट्स पिलानी फाइनल हो गया। ठीक है, तो देखो बिटसेट का नंबर वन पॉइंट है कि इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड रैबिट जैसी होनी चाहिए। इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन, इट्स अ एक्यूरेसी बेस्ड एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट चेकिंग और इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका जेई एडवांस सबसे ऊपर है, तो उसके बाद आपका जेई मेंस है, और जेई मेंस के बाद बिटसेट और बोर्ड को मैं ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे मानता हूं। ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ा सा बिटसेट ऊपर है तो थोड़ा सा आपका बोर्ड नीचे है, बस इतना ही फर्क है बिटसेट के एग्जामिनेशन में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो आपका जो पेपर आने वाला होगा, वो पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर ना आने की बजाय थोड़ा ऐसा पेपर आएगा जो कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है, उसको हम 18 से 20 लेक्चर में कवर करते हैं जब हम एक कोचिंग के अंदर पढ़ रहे होते हैं, और जो आपका एरर एनालिसिस वाला चैप्टर है, उसको हम एक लेक्चर में कवर करते हैं। बिटसेट के एग्जामिनेशन, अब अगर आप जी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि मैं एरर एनालिसिस को छोड़ देता हूं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लेता हूं, जिससे कि होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2-3 सवाल एग्जाम में आएंगे, तो मेरा ज्यादा मार्क्स लाने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब मैं उसमें अच्छा स्कोर कर जाऊंगा। लेकिन उधर मैं वो एक चैप्टर छोड़ दूंगा तो मेरा एक ही सवाल मिस होगा और इधर मैं 3 सवाल स्कोर कर जाऊंगा। बट बिटसेट में ऐसा नहीं है, वहां हर चैप्टर से आपको एक एक दो दो सवाल देखने को मिलेंगे, तो आपको एरर एनालिसिस भी उतनी ही परफेक्शन से करना है जितना परफेक्शन से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो। आपको कैलकुलस भी उतनी परफेक्शन से करना है जितने परफेक्शन से आप मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उतनी ही परफेक्शन से, फिजिकल केमिस्ट्री भी उतनी परफेक्शन से करनी है जिस परफेक्शन से आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर रहे हो। तो हर एक चैप्टर का वहां पे आपको सवाल देखने को मिलेगा। अब सवाल का लेवल कैसा होता है सर, क्या सवाल टफ आता है, क्या सवाल इजी आता है, किस तरीके का सवाल आता है, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस आप मान सकते हो आपके बिटसेट के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो कर सकते हो बिटसेट के प्रिपरेशन के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जो आपकी अरिहंत की प्रेप गाइड आती है, ठीक है, अरिहंत प्रेप गाइड इज अ बेस्ट सोर्स टू एक्सेल इन बिटसेट एग्जामिनेशन। उससे अच्छा सोर्स अभी मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि कोई अवेलेबल है। अरिहंत प्रेप गाइड में हर एक चीज कंसाइजली दे रखी है और सवाल वही दे रखे हैं जो बिटसेट में पहले आए हुए हैं, और उससे रिकरिंग सवाल बिटसेट के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो बिटसेट के एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले चीज मेक श्योर करनी है कि आपको सिलेबस एंटायरली कवर करना है। आप कोई सा भी चैप्टर छोड़ के बिटसेट का एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकते माई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर हर चैप्टर से सवाल आ रहा होगा और हर सवाल का एक फिक्स नंबर है, मतलब इक्वली वेटेज है सवाल का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी उतने ही नंबर का आएगा जितने नंबर का एरर एनालिसिस आ रहा है, समझ में आई बात। मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस भी उतने ही नंबर का आएगा जितने नंबर का आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आ रहा है। तो इस तरीके से आपको बिटसेट में रखना है। सेकंड थिंग इज कि आपको यहां पे 3 घंटे में 75 क्वेश्चन नहीं करने हैं जेईई मेंस की तरह, आपको यहां पे 3 घंटे में 130 सवाल करने हैं, 180 minutes 130 questions। ठीक है, तो जब आप सवाल देखेंगे और आप सवाल जब एनालाइज करेंगे, तो आपको तब जाके समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सके। तो अब 1 मिनट में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो हमारे कोचिंग के मॉड्यूल्स, अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो लेवल 1 एक्सरसाइज 1 वाली प्रॉब्लम्स होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, वो वाली प्रॉब्लम्स आप कंसिडर कर सकते हैं। अरिहंत प्रेप गाइड में बार बार बोल रहा हूँ, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन है, वो एक्जैक्टली बिटसेट के लेवल की तरह ही गिवन है। सेकेंड थिंग बिटसेट में जो आपको फॉलो करनी है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर से ये नहीं कि मैं 130 के 130 कर दूं सारे, मतलब उसमें से मेरे 65 गलत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का मतलब है
कि आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो उसमें भी आप हल्का हल्का गेस वर्क यूज कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं कि ए सी नहीं होगा, बी डी में से आंसर है, तो आप वहां पे रिस्क ले सकते हैं। सेकेंड थर्ड थिंग जो आपको बिटसेट में याद रखनी है एग्जाम देते टाइम, वो ये याद रखनी है कि हमको कोई भी सवाल ईगो पे नहीं लेना है। ईगो पे नहीं लेने से क्या मतलब है भैया? ईगो पे नहीं लेने से मेरा ये मतलब है कि आपको कोई सा भी सवाल ऐसा हो सकता है, अब देखो उनके पास सिलेबस फिक्स्ड है कि इतने ही सिलेबस में से मेरे को सवाल पूछना है, ठीक है, और उतना सिलेबस हर बच्चा पढ़ के आ रहा होगा, लेकिन उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिजेक्ट भी करने हैं क्योंकि 3 साढ़े 3 4 लाख बच्चे पेपर देंगे, 3500 सीट्स के आसपास कुछ है, इतना ही अब आप लगा लो 0.5% 5% जितना भी आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही एक्सेप्टेंस रेट है, ज्यादा एक्सेप्टेंस रेट नहीं है। तो 3.5 लाख बच्चों में से उनको 4000 बच्चे अगर सेलेक्ट करने हैं तो उनको 3,46,000 स्टूडेंट्स रिजेक्ट भी करने हैं, समझ में आई बात? तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो बीच बीच में हर सब्जेक्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जो सॉल्व तो हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के भी होंगे, सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो सवाल 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप उसमें फंस गए तो आपने वहां पे 3 मिनट खराब कर दिए और किसी दूसरे बच्चे ने उसी 3 मिनट में उस सवाल को स्किप कर करके 4 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, तो अगर आपने वो सही भी किया तो आपको 3 नंबर मिले, उसको 12 नंबर मिले। इस तरीके से एग्जामिनर बच्चों को रिजेक्ट करते हैं, ये स्ट्रेटेजी आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि आपके इस लेवल पे आपको समझ नहीं आएगी, जब आप थोड़े कॉलेज में आ जाओगे, इस लाइन में काम करोगे, 4-5 साल का एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। मेरे को भी अब समझ में आने लगा है कि हाँ यार इस तरीके से हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजी बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए। तो अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, करते करते बीच में ऐसा सवाल आया जो 1 मिनट में नहीं लेकिन उसको सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट लग रहे होंगे, ठीक है, तो आप उस सवाल को अपनी ईगो पे ले लोगे कि यार ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक का सवाल है, इस सवाल को मैं छोड़ कैसे सकता हूं, ये सवाल तो मेरे लिए बना है, इसको तो मैं करूंगा। ये एटीट्यूड अगर आपने ले लिया तो वहीं आप बिट सेट में रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपने दूसरा एटीट्यूड डेवलप किया कि यार अच्छा 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, स्किप एंड मूव ऑन, स्किप एंड मूव ऑन, स्किप एंड मूव ऑन, इस तरीके से, तो इसमें आप होगा क्या कि मैक्सिमम सवाल फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे और फिर आपके पास इनफ टाइम बच जाएगा, उन सवालों में आप थोड़ा थोड़ा टाइम देके आगे उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ में आई बात? फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। बिटसेट के एग्जामिनेशन में बैठने से पहले कम से कम आपको 10 से 12 मॉक टेस्ट देने होंगे, मतलब अब जो टाइम बचा है उसके अंदर आप हर 2 दिन हर एक मतलब डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे आज आपने मॉक टेस्ट दे लिया, कल आपने मॉक टेस्ट दे लिया, फिर आपने 2 दिन बाद फिर एक मॉक टेस्ट दे लिया, ऐसे करके आपको टाइम टेबल बनाना है कि आप 10 से 12 मॉक टेस्ट एक साथ मतलब बिट सेट के एग्जामिनेशन से पहले दे दें, क्योंकि उस एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस एग्जामिनेशन में बैठने से पहले, समझ में आई बात? तो आपको एटलीस्ट 10 से 12 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले कर करके जानी ही जानी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है तो हमारा बिटसेट का मेंटरशिप प्रोग्राम है, 599 रुपीज उसकी फीस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप फिल अप करके हमारा पर्सनलाइज्ड बिटसेट का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं खुद रन करूंगा, पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका और भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, वहां मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूं, तो वहां पे आके भी आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।